हेलो एवरीवन, आप अपनी आवाज को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये एकदम नॉर्मल रियल आवाज है जिसको मैंने अभी के अभी रिकॉर्ड किया है। लेकिन जो ये आवाज अब आप सुन रहे हैं ये वही आवाज है जिस आवाज को आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं। और इसी आवाज को आप कुछ इस तरीके से भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है अपनी आवाज से लोगों तक पहुंचने का। कहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी सी कमजोर भी हो, लेकिन अगर आपके आवाज की क्वालिटी बेस्ट है, मस्त है, तो आपके वीडियो पर ज्यादा लोग देख कर जाएंगे और कमेंट भी लिख कर जाएंगे, व्हाट ए वंडरफुल वॉइस। आज हम बात करने वाले हैं आपके आवाज के बारे में। आपके वीडियो में जो आप एडिट करके अपलोड करते हो वीडियो को, वैसे ही आप अपनी आवाज को भी एडिट कर सकते हो। बस सिर्फ 5 मिनट का खेल है। जहां पर आपके वीडियो को बनाने में, एडिट करने में 1 घंटे लगते हैं, वहीं पर आप 5 मिनट और दे देना, आपकी आवाज A1 क्वालिटी की हो जाएगी और आप बेस्ट वर्क कर पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड किससे करें। मोबाइल से रिकॉर्ड करें, एयरफोन से रिकॉर्ड करें, माइक से रिकॉर्ड करें, या फिर सस्ते माइक से रिकॉर्ड करें, या महंगे माइक से रिकॉर्ड करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मेरा माइक ये है और दूसरा माइक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये माइक है, और आपको मैं तीसरा माइक अपना दिखाना चाहूंगा, ये माइक है, ये तीसरा माइक है, एंड ये मेरा मोबाइल है। ये सभी जगहों पर रिकॉर्ड हो रही है मेरी वॉइस, राइट? तो ये सारी चीजों का मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो डिपेंड करता है कि आपके पास माइक कौन सा है। अगर आपके पास 150 रुपए वाला माइक है, अगर आपके पास 3000 रुपए वाला माइक है, अगर आपके पास 1000 वाला माइक है, अगर आपके पास कोई माइक नहीं है सिर्फ मोबाइल है, या फिर अगर आपके पास माइक नहीं है लेकिन एयरफोन है, तो आप किसी से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको जो बातें बता रहा हूं इन बातों को फॉलो कर लेना। वॉइस रिकॉर्ड करने के पहले कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो कि हमें जानना होता है, कुछ थ्योरिकल चीजें होती हैं। स्टेप नंबर 2, जब भी आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए सोचें या बैठें, तो कोशिश करें कि अपने माइक को कहीं पर टिका दें, क्योंकि जब आप अपने माइक को कहीं पर टिका देते हैं तो आपकी आवाज टच नहीं होती, कम ज्यादा नहीं होती, एक ही जगह पर टिका रहता है और आप जो बोलते हैं वो आपकी आवाज एक ही जगह से रिकॉर्ड होती रहती है, नॉर्मल रिकॉर्ड होती है, अलग अलग तरीके से नहीं रिकॉर्ड होती है, जिससे कि आपकी आवाज A1 क्वालिटी की बनती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। जब भी हम वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सोचे तो कोशिश ये करिए, अगर आप शहर से हैं, सिटी से हैं, जहां पर आवाजें आती हैं टी 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 करी बढ़िया से, मतलब गाड़ियों की आवाजें बहुत सारी आती हैं, वैसे अगर आवाज आपके चैनल पर आता है ना, तो आप एक काम करिए कि आप रात को या फिर मॉर्निंग में वीडियो को शूट करें, वॉइस को रिकॉर्ड करें, राइट? ये हो गई हमारी रिकॉर्डिंग की बातें। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की, कि हम रिकॉर्डिंग किस ऐप से करें। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब पर 90-95% यूट्यूबर सिर्फ एक ही ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उस ऐप का नाम है ऑडासिटी। ऑडासिटी से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज को, और रिकॉर्ड करने के बाद किस तरीके से एडिट कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। एडिटिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूं। रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं। जब हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे जब भी हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करें, तो यहां पर जैसे कि आप ये जो ऑप्शन है रेड वाला, यहां से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और यहां से रिकॉर्डिंग रुक जाती है, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा जो हमने रिकॉर्ड किया है, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑडासिटी के अंदर सॉफ्टवेयर में। जब भी आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड पहले कुछ भी मत बोलिए। ये जो स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड चलते हुए जाते हैं, ऐसे चलते हुए रहते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो चलते हुए जा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग का ये होता है कि आपकी जो बाहर की आवाजें हैं उस आवाजों को ये अपने इसमें कैप्चर कर लेता है, जिससे ये हटा सकता है। तो हटाएगा कैसे? जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, इतनी देर तक आप इसको इतना सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आपके ऑप्शन में यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये आ गया। अभी देखिए ऐसे ही आपके कंप्यूटर पर दिख रहा होगा, तो यहां पर आना इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद आपके सामने यहां पर आया होगा नॉइज रिडक्शन, इस पर क्लिक करना।
गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक कर देना एंड आप यहां पर कंट्रोल ए कर देना। कंट्रोल ए करने के बाद इफेक्ट में जाना, इफेक्ट में जाने के बाद नॉइज रिडक्शन पर जाना। नॉइज रिडक्शन पर जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर ओके कर देना, कुछ भी चेंज नहीं करना, ओके कर देना। आप जैसे ही ओके करेंगे आपके बाहर की जितनी भी आवाजें हैं, पंखे की आवाज है, रूम की आवाज है, कूलर की आवाज है, फ्रिज की आवाज है, वो सारी आवाजें खत्म कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाजें कम हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे आवाज को और कैसे एडिट कर सकते हैं बढ़िया स्मूथली तरीके से। तो स्मूथली तरीके से जो हम आवाज को रिकॉर्ड कम करेंगे वो आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए अभी भी ये इतना पार्ट है, तो हम दोबारा से कंट्रोल ए करके कंट्रोल आर कर देंगे और कंट्रोल आर से ये होता है रिपीट हो जाती है वही कमांड जो हमने पहले कमांड दी हुई थी। तो दोबारा कंट्रोल आर किया, आप यहां पर देख सकते हैं एकदम डाउन हो गया, हट चुका है। अब हम एक काम करेंगे, यहां पर इसे हम ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम यहां पर इसको एक काम करेंगे कि इसे हम दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहां पर नॉइज रिडक्शन का हमने काम कर दिया है। अब हम यहां पर जाएंगे जो हमारे पास ऑप्शन है ग्राफिक इक्यू एंड फिल्टर कर्व इक्यू। तो फिल्टर कर्व इक्यू पर जाकर हम हल्का सा बेस को बढ़ा देंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जो कि मैं भी सुन लेता हूं आवाज और आपको भी सुना देता हूं। तो यहां पर अभी मैं आवाज स्टार्ट करता हूं। आप देखिए ये आवाज सुन रहे ना, सुन लिया ना आपने। अब इसी आवाज को और सुरीली हमें बनाना है। सुरीली बनाने के लिए इफेक्ट पे फिर से जाएंगे, कंट्रोल ए पहले करेंगे, उसके बाद इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे जाने के बाद हम यहां पर ग्राफिक आईक्यू पर क्लिक करेंगे, ईक्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे मैंने सेट कर रखा है ये मेरे अकॉर्डिंग है। इधर से बेस होता है, इधर से ट्रेबल होता है। तो बेस मतलब ये कि आपकी आवाज में भारीपन आ जाता है, ट्रेबल मतलब ये कि पतली आवाज हो जाती है। तो हमें ऐसे ही पैटर्न रखना है कुछ इस तरीके से और प्रीव्यू करके यहां पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए कि अपनी आवाज ये सुन रहे हैं ना आप, ये जो आवाज सुन रहे हैं ये आवाज आप ऐसे अप्लाई कर देना, आपकी आवाज यहां पर रेडी हो चुकी है, बनकर तैयार होके आप सुनिए। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अपनी आवाज को, ये जो आवाज है ये आवाज इस टाइप से आपको कोई बताएगा नहीं, कभी नहीं बताएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ डिटेल में एक एक। चलिए ये इतना सीख गए। अब इसके बाद इसी आवाज पे देख रहे हो ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्यादा यहाँ पर कट हो रहे हैं ना, ये क्रॉस हो रहा है। तो इसको हम दोबारा से कंट्रोल ए करके इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे नीचे और नीचे आने के बाद लिमिटर पर क्लिक करके इस पर लिमिटर पर ओके कर देंगे और यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, प्रीव्यू करके देख सकते हैं। सुन लिया, ये सुन लीजिए, सुन लिया आपने। अब हम अप्लाई कर देंगे, सॉफ्ट हमारी आवाज हो जाएगी और हमारा जो आवाज ऊपर ज्यादा ब्रेक हो रहा था, कट रहा था, वो नहीं कटेगा। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं मेरी आवाज कुछ इस तरीके से हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे वो गूंजने वाली आवाज कैसे बनेगी, वो गूंजने वाली भी आवाज बन सकती है। इफेक्ट में जाना है आपको। इफेक्ट में जाने के बाद यहां पर आपके सामने रिवर्ब का एक ऑप्शन आएगा जो कि ये ऑप्शन है और यहां पर आप गूंजने वाली आवाज कर सकते हैं। सुनिए ये गूंजने वाली आवाज होती है। आपका रूम कितना बड़ा है वो साइज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा जो भी करना। इसको यहां से आप अप्लाई कर देना, रिवर्ब हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्ब करना, आवाज को गूंजना कर, गूंजती रहे। मुझे नहीं करना है, आपको अगर करना होगा आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया। बट इसे अब हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा एंड अब मैं यहां पर वॉइस एडिटिंग के नाम से इसे एक्सपोर्ट करूंगा। वॉइस एडिटिंग के नाम से मैंने यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया है, ओके कर दिया है और अब मेरी ये आवाज एक्सपोर्ट हो गई है और मेरी आवाज जो आप अभी सुन रहे थे ये सारी की सारी आवाजें, जितनी भी अभी तक आपने आवाज सुनी है वो सारी आवाजें मैंने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड किया है और आपके लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपको एक बेहतर आवाज मिले और आपके चैनल पर एक बेहतर तरीके से रिजल्ट आए। क्योंकि आवाज इतनी बुलंदी के साथ रखो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अगर कमजोर भी है तब भी आपकी आवाज बहुत तेज गूंजनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना एंड अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है, हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करके वीडियो को जाना, कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है। तो मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।